अगर आप भोजपुरी की ताजा खबरों को देखना चाहते हो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव की हाल ही में हमने एक फिल्म के बारे में सुना। फिल्म का नाम है बालम जी लव यू। जी हाँ, जिसके कई पोस्टर बैक टू बैक रिलीज किए गए। दर्शक इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फाइनली इस फिल्म के कई नई पोस्टर रिलीज कर दिए गए हैं, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है फिल्म के प्रति। हाल ही में खेसारी लाल यादव की संघर्ष फिल्म रिलीज हुई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी माइंड ब्लोइंग, काफी अल्टीमेट रहा। अब खेसारी लाल यादव की अगली फिल्म दबंग सरकार होने वाली है। इसके बाद बलम जी आई लव यू की बारी है, जब सुपरस्टार खेसारी लाल यादव सलमान की तरह दंगल करते नजर आएंगे। जी हां, हाल ही में हमने देखा सलमान खान की सुल्तान, जिसमें सलमान खान दंगल लड़ते नजर आए, सलमान खान कुश्ती लड़ते नजर आए और अब ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा खेसारी लाल यादव की फिल्म बलम जी आई लव यू में। दोस्तों, आप लोग पिक्चर्स देख सकते हो जहां पर हमें साफ साफ दिखाया गया खेसारी लाल यादव का दंगल कुश्ती वाला अवतार। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म दंगल और सुल्तान की जैसी होने वाली है। दोस्तों, फिल्म काफी अल्टीमेट है, जिसका लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस फिल्म में जब सुपरस्टार खेसारी लाल यादव दंगल लड़ेंगे तो देखना काफी मजेदार होगा। तो दोस्तों, आप लोग कितना बेसब्री से बलम जी आई लव यू का इंतजार कर रहे हो, हमें जरूर बताएं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। दर्शक उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनकी आने वाली फिल्मों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, हमने अभिनेता पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, हाल ही में जिसकी शूटिंग शुरू हुई थी। अभिनेता पवन सिंह और अमरपाली दुबे का एक बहुत ही फेमस गाना है, गाने का नाम है रातें दिया बुताके, जिसको 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री का नंबर वन गाना है, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने देखा और पसंद किया। इसी जोड़ी को शशांक राय जी ने फिल्मों में उतारने का फैसला किया। उन्होंने शेर सिंह नामक एक फिल्म के बारे में सोचा। इस फिल्म को बीरू ठाकुर ने लिखा और फाइनली इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और अब बताया जा रहा है इस फिल्म की शूटिंग तकरीबन कम्प्लीट हो चुकी है। थोड़ी बहुत ही फिल्म की शूटिंग रह गई है और जल्दी इस फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट कर ली जाएगी। जी हाँ, सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह शूटिंग थोड़ी सी रह गई है, अब कंप्लीट ही होने वाली है। इस बीच अभिनेता पवन सिंह का शेर सिंह का एक फर्स्ट लुक वायरल हुआ, जो काफी अल्टीमेट, काफी बेहतरीन लग रहा है। जी हां, इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर शशांक राय हैं। इस फिल्म में अमरपाली दुबे पवन सिंह का साथ देती नजर आएंगी, यानी अमरपाली होंगी अभिनेता पवन सिंह के अपोजिट, मेन लीड हीरोइन के रूप में। दोस्तों, अगर इस लुक की खासियत की तरफ आए तो अभिनेता पवन सिंह का जबरदस्त लुक लग रहा है। अभिनेता पवन सिंह की 3 पिक्चर इसमें अटैच की गई है, जिसमें अभिनेता पवन सिंह काफी खूबसूरत और काफी हैंडसम लग रहे हैं। 2 लुक में अभिनेता पवन सिंह काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, वहीं पर 3रे लुक में जबरदस्त सत्या की तरह लग रहे हैं। दोस्तों, लुक काफी अल्टीमेट है, दर्शकों को ये काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें अमरपाली दुबे धूम मचाने वाली हैं और अभिनेता पवन सिंह का ऐसा लुक जब भी आया है, दर्शकों ने उसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। तो दोस्तों, साफ सुथरी फिल्म है, काफी अल्टीमेट, काफी बेहतरीन है और फाइनली शेर सिंह का लुक जो आप लोग देख सकते हो सोशल मीडिया पर, ये वायरल हो गया है। आप लोगों को ये फर्स्ट लुक कैसा लगा, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के जरिए। कितना बड़ा इतिहास बना पाई दबंग सरकार। जी हां, सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव आकांक्षा अवस्थी की मच अवेटेड फिल्म, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका फाइनली कल यूट्यूब पर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। जी हां, इसका ट्रेलर यशी फिल्म पर रिलीज कर दिया गया, जिसे दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। आप लोगों को बता दें, कल शाम 5 बजे तकरीबन इस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब यानी यशी फिल्म चैनल पर रिलीज किया गया था। दर्शकों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया। कल 5 बजे से अब तक लगभग इसे 15 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है और इसे 17,000 लोगों ने लाइक कर दिया है। वहीं पर 24 घंटे में ये लगभग 18 से 20 लाख व्यू का नया इतिहास
कायम कर देगा। जी हाँ, ट्रेलर काफी अल्टीमेट है, काफी बेहतरीन है, जिसमें खेसारी लाल यादव का दो रोल हमें देखने को मिला, जहाँ एक मजबूर बेबस आदमी का, वहीं दूसरी तरफ धाकड़ पुलिस वाले का। दोस्तों काफी अल्टीमेट फिल्म है, का ट्रेलर कल धूम मचा चुका है, तो दोस्तों आप लोग जाइए देखिए, दबंग सरकार का ट्रेलर काफी बेहतरीन लग रहा है। मंजू ठाकुर के डायरेक्शन में अब से पहले राजा बाबू निरहुआ हिंदुस्तानी 2 जैसी अपार सफलतादायक फिल्म बन चुकी है, और अब वो खेसारी लाल यादव के साथ मिलकर राजा हिंदुस्तानी नामक बेहतरीन फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में अभिनेत्री कौन होगा, इस बात का अभी डिसाइडमेंट नहीं हुआ, लेकिन बताया जाता है बिंदिया तिवारी नामक एक अभिनेत्री इस फिल्म में मेन लीड रोल पर दिख सकती है। दोस्तों फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और बनारस के 80 घाट में राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग हो रही है, वहाँ से कुछ सोशल मीडिया पर पिक वायरल हो रहे, जी हाँ देख सकते हो आप लोग, जिसमें खेसारी लाल यादव का अलग ही अंदाज हमें दिख रहा है। आप लोगों को बता दें काफी अल्टीमेट, काफी बेहतरीन फिल्म होने वाली है राजा हिंदुस्तानी। दर्शकों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है, जिसकी शूटिंग अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई। दर्शक अभी से इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आखिर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की राजा हिंदुस्तानी में क्या नया होने वाला है। हालांकि इससे पहले आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी काफी अल्टीमेट थी, काफी बेहतरीन थी, और अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि मंजू ठाकुर इस बार नया क्या करते हैं।